अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत होंगे। स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुवैत हाउस ड्राइवर में आना चाहिए या कंपनी ड्राइवर में आना चाहिए, जैसे कि डिलीवरी ड्राइवर हो गया और भी बहुत सारी ड्राइविंग है उसमें आना चाहिए कि हाउस ड्राइवर में आना चाहिए। अगर हाउस ड्राइवर में आते हैं तो इसमें क्या बेनिफिट है और कंपनी ड्राइवर में आते हैं तो इसमें कौन कौन सी बेनिफिट हमको मिलती है, तो दोनों में क्या फर्क है और कौन से ड्राइविंग में हमें आना चाहिए अगर हम ड्राइविंग में आ रहे हैं तो। क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई लोग का कमेंट था और वो आना चाहते हैं कुवैत में ड्राइविंग लाइन में, तो वो लोग मुझसे पूछ रहे थे भाई कंपनी में आए या हाउस ड्राइवर में आए, कंपनी आए तो कितनी सैलरी मिलेगी और कौन कौन से काम मिल सकते हैं, तो हम किस में आए, हाउस ड्राइवर में आए या कंपनी में आए। तो गाइस, इसी बारे में आज हम बात करेंगे और मैं पूरी डिटेल्स आप लोगों को दूंगा, दोनों के बारे में आज बताऊंगा। जैसे कि आप लोगों ने मेरी वीडियो अगर आप लोग देख रहे होंगे तो हाउस ड्राइवर के बारे में मैं बहुत सारी वीडियो बनाया हूं, तो आज मैं कंपनी ड्राइवर के बारे में बताऊंगा और थोड़ा मोड़ा हाउस ड्राइवर के भी बारे में बता दूंगा कि अगर आप आना चाहते हो, आप कुवैत आना चाहते हो तो आपको किस में आना चाहिए और किस में ज्यादा फायदा है। तो गाइस, वीडियो के आखिरी तक बने रहे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हाउस ड्राइवर की। तो यार, हाउस ड्राइवर में आना मेरे ख्याल से इतना बेनिफिट नहीं है, क्योंकि हाउस ड्राइवर में जैसे आप आओगे तो बहुत सारा आपको काम करना पड़ता है, गाड़ी चलाने से लेके गाड़ी धोना तक, फिर उसके बाद जो है घर का बहुत सारा काम ऐसा रहता है कि जो आप यहाँ पे आओगे तो दो चार छह महीना आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप नए नए आए रहोगे, आपको गाड़ी चलाने में सारा काम करने में मजा आएगी। लेकिन भाई साहब, आप जैसे जैसे पुराने होते जाओगे आपको ये काम में बहुत मुश्किल होती जाएगी, क्योंकि आपको मजा नहीं आएगा, आपको कब गाड़ी धोने के लिए बोल देंगे, कब क्या करने के लिए बोल देंगे, यानी कि इसमें ड्यूटी का कोई टाइम नहीं रहता है। 24 घंटा ड्यूटी समझ लो, 24 घंटा ड्यूटी पे आप हो, कब आपका फोन आ जाएगा कोई गारंटी नहीं है इसकी। तो मेरे ख्याल से हाउस ड्राइवर से बेहतर है कंपनी ड्राइवर, चाहे डिलीवरी में हो गया चाहे किसी भी और सेक्टर में, अगर कंपनी में आप ड्राइविंग में आओगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। यार, दोनों में ही गाड़ी चलाना है, इसमें भी गाड़ी चलाना है, लेकिन इसमें जो है घर का काम बहुत ज्यादा करना पड़ जाता है। हाउस ड्राइवर में जो है कि घर का काम बहुत ज्यादा करना पड़ जाता है, गाड़ी चलाना तो ठीक है लेकिन घर का काम बहुत ज्यादा करना पड़ जाता है। लेकिन अगर आप लोग इंडिया में ड्राइवर हो तो इससे अच्छा है कि ड्राइविंग का मतलब है कि आप कंपनी में आओ तो सिर्फ आपको ड्राइविंग से रिलेटेड काम रहेगा, दूसरा आपका कोई काम नहीं रहेगा, ना आपको कोई साफ सफाई वाला काम रहेगा, कुछ नहीं, अपनी एक सिर्फ गाड़ी रहेगी, उसी को वॉश करना रहेगा, वो भी आपकी मर्जी है, आप एक डेली साफ करो या हफ्ते में एक बार साफ करो, जैसा मन करे आप वैसा कर सकते हो। लेकिन हाउस ड्राइवर में ऐसा नहीं है, आपको डेली गाड़ी साफ करना रहेगा, वो भी एक गाड़ी नहीं, कम से कम आपके घर में यहाँ पे तो अगर देखा जाए मिनिमम तो हर घर में 10 गाड़ी 5 गाड़ी 6 गाड़ी 8 गाड़ी रहते ही, तो आपके घर में जितनी गाड़ी रहेगी सब साफ करना पड़ेगा। लेकिन यही कंपनी ड्राइवर में आप लोग आओगे तो आपको सिर्फ एक ही गाड़ी साफ करना रहेगा, वो भी आपकी मर्जी से, ठीक है। इसमें आपको कंपनी ये नहीं कहेगी, आप जितना अच्छा अपनी गाड़ी का रखोगे आपके लिए फायदा रहेगा। लेकिन यहाँ पे हाउस ड्राइवर में देख लो, वही तो अपनी गाड़ी तो साफ करना ही है जो चला रहे हो, उसके बाद मैडम की गाड़ी अलग है, कफिल की गाड़ी अलग है, लड़के की गाड़ी अलग है, दुनिया भर का जो है काम रहता है और सैलरी भी इसमें अच्छी खासी नहीं मिलती है हाउस ड्राइवर में। लेकिन कंपनी ड्राइवर में सैलरी भी अच्छी रहती है, ड्यूटी बाय ड्यूटी काम करना रहता है और जो है कि ज्यादा घिर घिर ज्यादा पिचपिच नहीं रहता है जैसे कि हाउस ड्राइवर में रहता है। तो मेरा आप लोगों से यही ओपिनियन रहेगा कि जो लोग मेरे भाई लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि हम किसमें आए, तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप कंपनी ड्राइवर में आओगे तो आपको बेहतर रहेगा। तो जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप कुवैत में तलबात कंपनी ड्राइवर में आ रहे हो या ऐसे ही बहुत सारी डिलीवरी ड्राइवर है और आप लोग कहोगे तो मैं उसका जो है कौन कौन से ऑफिस में इसका वीजा जाता है, कहां से आप कॉन्टेक्ट करोगे, तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा और कितना खर्चा लगता है, मिनिमम कितना खर्चा लगता है, मैक्सिमम कितना लग जाता है और कितनी सैलरी रहती है, कितनी ड्यूटी रहती है और इसमें ऊपरी कमाई कितनी रहती है, सारी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो गाइस, जैसे मान लीजिए आप जो है एक तलबात कंपनी में ज्वाइन हुए, मतलब तलबात कंपनी का आपको वीजा मिला है, ठीक है, आपको वीजा मिला है और आप इसमें आ रहे हो, तो आपका ज्यादा से ज्यादा, देखो हाउस ड्राइवर में क्या है थोड़ा कम पैसे में आ जाते हैं लेकिन कंपनी ड्राइवर में थोड़ा पैसा ज्यादा लग जाता है। लेकिन गाइस, आप पैसे देख के पीछे मत हटना, क्योंकि अगर आप पैसे देख के पीछे हट जाओगे तो आपके लिए ही दिक्कत है। आप वहां पे ज्यादा पैसा दे के अगर आओगे, एक तो आपका वीजा सून का रहेगा, आप कभी भी 2 साल अगर काम करने के बाद कहीं पे भी ट्रांसफर ले सकते हैं, टैक्सी में ट्रांसफर ले सकते हैं, बहुत सारा जॉब है आप उसमें ट्रांसफर ले सकते हैं, आप सून के वीजा में आओगे। जो कंपनी ड्राइवर, जो तलबात ड्राइवर रहता है, ये सून का वीजा रहता है, लेकिन हाउस ड्राइवर का जो है ये खादिम का वीजा रहता है, आप जो है कभी भी खादिम से जो है कंपनी में ट्रांसफर नहीं ले सकते, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है लेना। तो गाइस, बात कर लेते हैं तलबात में। जैसे कि तलबात में आपकी ड्यूटी जो रहेगी वो डिलीवरी बेस पे रहेगी, आपको जो है मेरे ख्याल से, मैं एक भाई से पूछा था, मैं एकदम कंफर्म नहीं बताऊंगा, एक मैं अंदाजा आपको बता रहा हूं कि 20 से 25 डिलीवरी जो है कंपनी की रहती है और वो आपको करना रहता है। उससे एक्स्ट्रा अगर आप करोगे, जैसे अगर एक दिन में आपको 25 डिलीवरी करनी है, ठीक है, आपने 25 डिलीवरी कर दी है और आप चाहते हो कि इससे एक्स्ट्रा, तो उससे एक्स्ट्रा आप 2 करो 4 करो जितनी भी करोगे उसका आपको कमीशन मिलेगा। तो बेसिक सैलरी जो आपकी रहेगी 120 से 130 KD रहेगी, खाना पीना आपके कफील मतलब कंपनी का रहेगा और गाड़ी का पेट्रोल वो भी जो है कंपनी का रहेगा और जो है कि
मोबाइल का खर्चा आपका सबसे बड़ा जो है यहाँ पे आने के बाद नेट का खर्चा रहता है, नेट का खर्चा भी जो है आपको कंपनी देगी। हाउस ड्राइवर में आपको अगर आओगे तो हाउस ड्राइवर में नेट का खर्चा भी आपका ही रहता है। तो गाइस कंपनी का ये फायदा है, तो आपकी 120 सैलरी बेस्ट सैलरी है आप नहीं आ रहे तो। दूसरा आपको मोबाइल का खर्चा कंपनी देगी, तीसरा खाने का भी खर्चा आपको कंपनी देगी, चौथा आपको सिर्फ 25 डिलीवरी करना रहेगा। 25 डिलीवरी के बाद अगर आप जितना और ज्यादा करोगे उतना आपका कमीशन मिलेगा। यार मैं यहाँ पे देखा हूँ बहुत सारे ऐसे डिलीवरी वाले हैं जो महीने का 300 केडी कमा रहे हैं। और हाउस ड्राइवर में कितना कमाओगे, हाउस ड्राइवर में जो आपकी सैलरी रहेगी बहुत आगे आ जाओगे तो 130-140 मिल जाएगी, उससे ज्यादा आप एक रुपया भी नहीं कमा सकोगे यहाँ पे हाउस ड्राइवर में। लेकिन कंपनी ड्राइवर में आप जितनी मेहनत करोगे उतना ज्यादा पैसा कमा सकते हो। तो उसी काम में आना चाहिए, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, उस काम में आना चाहिए जिस काम में आप जितना मेहनत करो उतना पैसा कमाओ। ओके गाइस, तो कंपनी ड्राइवर का ये हो गया, देखो डिलीवरी ड्राइवर का ये हो गया, और आपकी ड्यूटी आपके डिलीवरी के ऊपर रहेगी। अगर आपको जैसे दिन भर में 25 डिलीवरी मिली है, जैसे एक मिसाल के तौर पे 25 डिलीवरी आपको करनी है, तो अगर वो चाहे आप शाम का 5 बजे खत्म कर लो, शाम का 6 बजे खत्म करो, चाहे रात का 12 बजे खत्म करो, वो आपके ऊपर रहेगा। अगर आपने मिसाल के तौर पे अगर आपने शाम का 5 बजे तक या 6 बजे तक आपने 25 डिलीवरी कर दी और आप चाहते हो कि मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी करना चाहता हूं, तो 2-4 और आप भी करोगे उसका भी कमीशन आपको मिलेगा। ठीक है गाइस, तो ये थी कंपनी ड्राइवर की बात। तो मेरा आपसे यही ओपिनियन रहेगा कि आप कंपनी ड्राइवर में हाँ और बहुत बढ़िया है। वीजा की जहां तक बात हो गई, बहुत सारे ऑफिस हैं इंडिया में, बहुत बड़ी बड़ी ऑफिस हैं। मैं अगर आप लोग कहोगे तो उन ऑफिस का जो है डिटेल्स मैं आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाके और अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारा वीजा वहां पे जो है कंपनी ड्राइवर का रहता है, बस ये कि थोड़ा आपको पैसा ज्यादा लगाना पड़ेगा इसमें हाउस ड्राइवर में थोड़ा। लेकिन हाउस ड्राइवर में भी आजकल आने में कम से कम अगर आप किसी ऑफिस से वीजा लेकर आ रहे हो तो ना ही में मेरे ख्याल से 80 से 90 और 1 लाख तक आपका खर्चा हो जाता है। वही कंपनी में आओगे तो बहुत ज्यादा 1 से 1.5 लाख रुपया खर्चा लगेगा, लेकिन यहाँ पे आने के बाद आप फ्री रहोगे, बन के काम नहीं करोगे, अच्छे से कमाई करोगे। तो गाइस उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी किसमें आना चाहिए किसमें नहीं आना चाहिए। और मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है कि कंपनी ड्राइवर में आओ। जो भी नए लोग आना चाहते हैं अभी वो कंफ्यूज है तो कंपनी में आओ, सबसे अच्छा रहेगा आप लोगों को। तो उम्मीद है गाइस आप लोगों को समझ में आ गई किसमें आना चाहिए किसमें नहीं आना चाहिए। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।